सो गाइस भाई साहब रुकिए, सबर कीजिए भाई। यहाँ पर मतलब कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ मनाओ जबरदस्त तरीके से, ढोल ताशे हर एक चीज़ को मिठाई बांटू, लेकिन फिर दूसरे साइड सोचता हूँ क्या सच में, मतलब सच में ये टाइम है सेलिब्रेशन का? क्या ये टाइम है भाई साहब बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बात करने का? लेकिन क्या ही बोलना, मतलब यार इतनी बड़ी बड़ी मूवीज ऐसे टाइम पे, जब भी इसके अपडेट्स आ रही हैं अभी के समय, भाई दिमाग से एकदम फ्यूज उड़ जा रहा है लिटरली। मतलब सच में सोचने वाली बात है, सेल्फी का इतना बुरा सिचुएशन अभी के समय चल रहा है, ऐसे में भाई साहब थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को समय दो, थोड़ा उनको टाइम दो इस चीज़ को समझने के लिए, थोड़ा वेट करो भाई, थोड़ा वेट करो, थोड़ा समय रखो। इसी बीच में बड़ी बड़ी मूवीज़ की अपडेट शेयर करना क्या इंपॉर्टेंट है क्या भाई साहब? यहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज़ की अपडेट शेयर करने से आप छोटी मूवी को मतलब डेंजर में तो नहीं डाल रहे हो कहीं ना कहीं? मुझे थोड़ा सा इसको लेकर के अभी बातें समझ में नहीं आ रही भाई साहब। यहाँ पर ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ है, लेकिन अभी गुड न्यूज़ अभी के समय तो भाई गुड न्यूज़ ऐसा नहीं लग रहा है। गाइज यहाँ पर सीन कैसा है आप जानते हैं, वेलकम बैक 3 और हेरा फेरी 4, यस मतलब हेरा फेरी 3, लेकिन टाइटल चेंज है। तो भाई साहब दोनों के बीच में कनेक्शन है। अब कनेक्शन किस तरह से होगा, किस तरह से फिरोज नाडियाड वाला इस चीज़ को सोच रहे हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं, वो तो भाई भगवान ही जाने। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ज़बरदस्त अपडेट निकल चुकी है हेरा फेरी 4 यानी हेरा फेरी 3 को लेकर के। गाइज यहाँ पर संजय दत्त, यस गाइज हमारे मुन्ना भैया, सॉरी मुन्ना भाई, भाई साहब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एंट्री मार चुके हैं हेरा फेरी 3 के अंदर। गाइज हेरा फेरी 3 के अंदर संजय दत्त की एंट्री हो चुकी है, ऑफिशियली तौर पे हो चुकी है, साइनिंग हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है, सब कुछ, टाटा बाय बाय सी यू सब कुछ हो चुका है। एंड गाइज इस मूवी के अंदर संजय दत्त भाई साहब एक मेन लीड विलन के रूप में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं संजय दत्त चाहे सीरियस मूवीज हो, चाहे मास मूवीज हो, अब चाहे कॉमेडी मूवीज हो, भाई साहब हर जगह अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले एक्शन मूवीज के अंदर जबरदस्त बवाल कर रहे हैं एज अ लीड विलन, KGF बहुत बड़ा धमाकेदार मूवी। एंड भाई साहब आप यहाँ पे धमाकेदार कॉमेडी की एक अलग ही लेवल की दुनिया भाई साहब हेरा फेरे के अंदर भी अपनी एंट्री मार चुके हैं एज अ लीड विलन। अब आप जानते हैं कि ये भाई थोड़ा अलग जॉनर की मूवी है, यहाँ पर एक्शन तो नहीं चलते, यहाँ पर खून खराबा तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर मिलेगा आपको कॉमेडी के एक ऐसे लेवल का डोज जो भाई साहब यहाँ पर संजय दत्त आपको डिस्काउंट डिस्काउंट देने वाले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। गाइस अगर आपने वेलकम मूवीज देखे हैं तो आपको पता होगा उसके अंदर एक RDX थे भाई साहब, यहाँ पर हमारे फिरोज खान सर लेजेंडरी एक्टर, तो भाई साहब बिल्कुल उन्हीं की तरह इनका कैरेक्टर होने वाला है, उसी लेवल के यहाँ पे आपको डॉन गिरी करते हुए दिखाई देंगे। एंड गाइज यहाँ पर सीन ऐसा है कि इनका कैरेक्टर ब्लाइंड होगा और थोड़ा सा अलग विचित्र टाइप का कैरेक्टर होने वाला है, बहुत ही अलग लेवल की पंचेस आपको मारने वाला है, क्योंकि भाई एक क्लीन कॉमेडी फिल्म है, सो डेफिनेटली यहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर खुशी बहुत ज़्यादा है। एंड आई होप कि भाई उसी चीज़ को जो यहाँ पे ऑडियंस सोच करके बैठी, जो भाई साहब यहाँ पर सारे के सारे मीमर्स बेचारे उम्मीद लगाए बैठे हैं इस मूवी के अनाउंसमेंट के बाद से खलबली मच चुकी है हर जगह, उनको भाई वो चीज़ मिले डेफिनेटली भाई साहब बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ होगा। एंड आई थिंक ये सारे अपडेट्स को अभी के समय लोगों को रोक के रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा कंट्रोल में रखो ना इन चीज़ों को, क्यों शेयर करवा दे रहे हो, थोड़ा सा भाई टाइम दो भाई हमारी ऑडियंस को, अपने अपने फैंस को थोड़ा टाइम दो यार। मतलब अभी हम लोग एक अलग जोन में हैं, सेल्फी को लेकर के एक अलग जोन में चल रहे हैं, क्यों मतलब हमारा मूड क्यों आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर प्लीज़ कमेंट करना। हमारे मुन्ना भाई यानी भाई साहब संजय दत्त सिर द लेजेंडरी विलन अभी के समय के, तो भाई साहब लेजेंडरी विलन वही कहलाएंगे, अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका जलवा चल रहा है हर जगह, एक्शन मूवीज़ मास मूवीज़ छोड़ो भाई साहब, यहाँ पे कॉमेडी मूवीज़ में भी अपना जलवा बिखेरने आ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्या लगता है, कितनी खुशी है इस चीज़ को लेकर प्लीज़ कमेंट करना, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन से हेरा फेरी को लेकर प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।